दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट और अलर्ट खबर के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में किसान आंदोलन की, जिसकी आहट अब प्रदेश सरकार को भी सुनाई दे रही है। तो आइए जानते हैं क्या है खबर और जानते हैं विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको ऐसे अपडेट और अलर्ट न्यूज़ तुरंत मिलती रहे, क्योंकि हर काम की खबर आप तक पहुँचाना है हमारा लक्ष्य। किसान आंदोलन, शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री को दिए टारगेट। दोस्तों 1 जून से 10 जून तक प्रस्तावित गांव बंद आंदोलन को लेकर मंगलवार को अनौपचारिक कैबिनेट में काफी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि वे किसानों के बीच जाएं और डैमेज कंट्रोल करें। सीएम ने कहा कि किसानों को बताएं कि सरकार ने उनके लिए ऐतिहासिक फैसले किए हैं, प्रभार और गृह जिले में सक्रिय रहें और हर गतिविधि पर नजर रखें, किसी भी सूरत में माहौल खराब नहीं होना चाहिए। मंत्रियों ने भी उन्हें अपने क्षेत्रों में फीडबैक दिया। इस दौरान एक मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर आंदोलन की ज़्यादा चर्चा है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार नहीं, जिला प्रशासन भरवा रहा है बांड। किसी आंदोलन को रोकने मंदसौर, नीमच सहित अन्य जिलों में किसानों से भरवाए जा रहे हैं बांड पर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अजीबोगरीब सफाई दी है। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से बांड भरवाने के निर्देश नहीं दिए हैं, कहा है कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर जरूरत के हिसाब से यह कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि अब तक 1500 से ज़्यादा किसानों ने बांड भरवा जा चुका है और बांड के नाम पर किसानों पर शर्तें लादी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसानों को धमकाया जा रहा है कि यदि उन्होंने आंदोलन में भाग लिया तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इधर देश भर में 147 किसान संगठन गांव में सक्रिय हो चुके हैं। सरकार ने दूध सप्लाई पर एस्मा लगा दिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि 1 से 10 जून तक वो शहरों में दूध, सब्जी, फल, अनाज और किसी भी तरह की सप्लाई नहीं करेंगे जो भी गांव से जाती है। दोस्तों आप भी सावधान रहें और 1 से लेकर 10 जून तक यदि आपका कोई ऐसा कार्य है जो कि आवश्यक है, दूध सब्जी संबंधित, तो आप चाहे तो स्टॉक करके रख सकते हैं या फिर इस चीज़ को ज्ञान में रखकर कार्य करें तो हो सकता है आप परेशानी से बच सकें। और यदि आपको खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य कर दें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि हर काम की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं तुरंत और हम चाहते हैं कि संपूर्ण देशवासी इन खबरों को जाने और अवगत हो, क्योंकि हर अलर्ट खबर आप तक हम पहुंचाते हैं तुरंत जो कि न्यूज़ चैनल टीवी चैनल पर आपको बाद में देखने मिलेगा। हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों इसको शेयर करें, लाइक करें, सुझाव हो तो कमेंट अवश्य कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों आपकी क्या राय है किसान आंदोलन के बारे में? किसान लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि क्या किसान के साथ वास्तव में नाइंसाफी हो रही है, कि उन्हें आंदोलन करना चाहिए या इसका और कोई भी मार्ग उन्हें निकालना चाहिए। तो यदि आपके दिमाग में इसके लिए और कोई प्लानिंग है या आप बता सकते हैं कोई सुझाव कि किसानों को यह करना चाहिए जिससे कि उनको राहत मिलेगी, उनकी मांगें पूरी हो सकती है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही आपकी क्या राय है किसान आंदोलन के बारे में हमें अवश्य बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।